अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं माइयों में, और माइयों की तैयारी जैसे ही हमने स्टार्ट करी तो हमारी चली गई लाइट, है ना परीरा? लाइट गई है ना? जी, जैसे ही हम तो लोगों ने तैयारी शुरू की और नहाना वहाना शुरू किया तो ऐसे ही हमारी लाइट चली गई। जी, बरीरा ने भी नहा लिया है और मैंने भी शावर ले लिया। और ये देखें, मैंने कटिंग करवाई है, स्टिकिंग करवाई है, और कैसी लग रही है आप लोग को ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी हमारी जैसी ही लाइट आती है तो फिर हम इंशाल्लाह तैयारी अपनी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और फिर हमें जाना भी है दूर, है ना बरीरा? बहुत दूर जाना ना, फिर हम वहाँ जाके आपसे मिल। ये देखें, ये हम लोग मेहंदी लेके गए थे तो, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये जो ढोल बनी हुई है और ये पलेटें रखी हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये जो, देखें ये झूले पे इन्होंने ढोल बनाया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हम लोग मेहंदी वगैरह लड़कियाँ वगैरह इन्होंने पलेटें वगैरह उठाई हुई थी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और ये परी लेके जो हम लोग जो लेके जाते हैं, और ये सूट है वलीमे का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत पसंद आया मुझे। ये वलीमे का है और ये बारात का है, ये बारात का भी बहुत रेड कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी बड़ी लगी हुई है तो बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी सारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। ये ज्वेलरी वगैरह, सैंडल है, चूड़ियाँ हैं, और जो सामान होता है दुल्हन का, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, ये वलीमे के सेट का है शायद, और ये चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और ये जो बाकी सूट हैं क्या ये ऊपर लगाए हुए थे उन्होंने, सारी सूट भी अच्छे थे, ये सारे कलर भी अच्छे थे, बहुत प्यारे थे कलर वगैरह। और ये वलीमे का, ये मेरे ख्याल में वलीमे का सेट है, ज्वेलरी सेट, सैंडल वगैरह, ये सैंडल ज्वेलरी ये सब वलीमे की है। तो पूरी बरी बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। तो ये देखें, ये दूल्हा और दुल्हन रस्म के लिए, माइयों की रस्म के लिए ऊपर आ रहे हैं, और ये सारी जो खड़ी हुई हैं लेकर आ रही हैं दूल्हा दुल्हन को। तो ये भाभी बहनें और पीछे सारी कज़नें वगैरह हैं, बड़े शौक और जज्बे से लेकर आ रही हैं, खुश खुश, कितनी खुश लग रही हैं। और दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, छोटा सा दूल्हा है, दुल्हन भी बहुत प्यारी है, क्यूट सी। और ये सारे कज़न जो है खुशी में इनके आने में, इनकी एंट्री में तो डांस कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा। ये शमील हैं, शमील के बाकी कज़न हैं, भाई भी हैं दूल्हा के, और बहुत अच्छा डांस किया था इन लोगों ने, बहुत हल्ला गुल्ला किया था, बहुत ही मज़ा आया था। तो ये देखें कितना अच्छा डांस कर रहे हैं इनकी एंट्री पे, और ये देखें कितने प्यारा लग रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाती क्योंकि ये लोग डांस कर रहे तो मैं दिखा नहीं सकी आपको, तो बहुत प्यारे लग रहे थे ये। तो ये लोग डांस करते करते अभी देखिएगा, तो ये दूल्हा को भी लेकर आ गए, दूल्हे को डांस के लिए। तो दूल्हा बेचारा शर्मा गया इनके साथ डांस नहीं किया, लेकिन खड़ा हो गया था, और ये लोग इन गोल गोल दायरे में इसके साथ डांस कर रहे थे बीच में। दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, छोटी उम्र के हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों ही, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये खड़े हुए दूल्हा, हाँ ओके, वही मैं आपको नहीं, रुकेंगे कहाँ रुकेंगे, बस हाँ ना, एक काम करते हैं, बस 10 मिनट में निकलते हैं, ठीक है? एंजॉय किया? और शमील आपने एंजॉय किया? नहीं किया, क्यों? मजा नहीं आया, आपने डांस बहुत अच्छा किया था, मजा नहीं आया उसी में, मजा नहीं आया, क्यों मजा नहीं आया? एक ही चीज करते थे दोबारा बार, और आपने एंजॉय किया?
बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत मज़ा आया ना, बहुत इंजॉय किया। और ये हमारे साथ ये बच्चा भी आया है, फुरकान। फुरकान आपको मज़ा आया जी? कितना मज़ा आया? बहुत। और खाना खाया आपने सही जी? और इस्माइल आपने मोबाइल में देखा? खाया। क्या खाया था आपने? चलें घर, चलें चलें। अरे यार चलें घर, क्यों अभी नहीं जाना है? सैटरडे को आएंगे ना। क्या करोगी डॉगी के साथ? हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया, है ना बदीरा? बढ़िया मज़ा आया। और मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।